Everyone, now the circles exercise 12.1 first question. Fill in the blanks. The first question in that is the center of a circle lies in dash of the circle. So the center hota hai circle ka, where that will lie, that is the question. So it is understandable that always whenever we are saying a center, it will be inside the circle. So inside matlab we have to use the word interior. So aapka first one answer hoga, the center of the circle lies in interior of the circle. The second point is, a point whose distance from the center of a circle is greater than its radius lies on dash of the circle. So again, first you have to understand the question. A point whose distance, if a circle is there and from the center, अगर उसके रेडियस से भी उसका ज़्यादा डिस्टेंस है तो रेडियस से ज़्यादा मतलब इट विल बी कमिंग आउटसाइड द सर्कल. सो आउटसाइड मीन्स यू हैव टू यूज़ द वर्ड एक्सटीरियर. सो फॉर द सेकेंड वन द आंसर विल बी एक्सटीरियर. अगर रेडियस से बड़ा है आपका जो डिस्टेंस है तो वो पॉइंट सेंटर के बाहर होगा, सर्कल के बाहर होगा. तो बाहर मतलब आपको लिखना है वर्ड एक्सटीरियर. द थर्ड क्वेश्चन इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज डैश ऑफ द सर्कल. तो कॉर्ड का मतलब होता है अगर आप कोई दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे हो तो देन इट इज़ कॉल्ड एज कॉर्ड. तो सबसे बड़ा जो कॉर्ड होता है दैट इज़ योर डायमीटर. अगर एक सर्कल है आपका तो जो सेंटर से होते हुए जो लाइन जाती है दैट विल बी द बिगेस्ट लाइन. सो जो सेंटर से जाती है उसका नाम है डायमीटर. सो वी हैव टू राइट द थर्ड वन आंसर एज डायमीटर. देन द नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, एन आर्क इज ए डैश व्हेन इट एंड्स आर द एंड्स ऑफ द डायमीटर. अगर कोई आर्क, सपोज़ ये अपसाइड आर्क है, उसके एंड पॉइंट कहाँ पे है, डायमीटर पे. ये वाले जो डायमीटर एंड हो रहा है वहीं पे उसके आर्क भी एंड हो रहे हैं. देन इट्स नेम विल बी सेमी सर्कल. इट इज़ डिवाइडिंग इनटू टू इक्वल हाफ्स. तो ऊपर वाला एक सेमी सर्कल है, नीचे वाला भी एक सेमी सर्कल है. सो फोर्थ वन आंसर इज सेमी सर्कल. फिफ्थ पॉइंट यू आर हैविंग नाउ, सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज द रीजन बिटवीन आर्क एंड डैश ऑफ ए सर्कल. तो जब भी आप सेगमेंट बोलते हो, ऑलरेडी दिस डेफिनेशन वी हैड सीन इन द इंट्रोडक्शन पार्ट. तो सेगमेंट का मतलब होता है आर्क और कॉर्ड. आर्क और कॉर्ड के मिडिल में ये जो एरिया है दैट इज कॉल्ड एज सेगमेंट. सो वॉट यू हैव टू राइट इन द फिल इन द ब्लैंक फॉर दैट, सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड कॉर्ड. तो फिफ्थ वन आंसर है कॉर्ड. द लास्ट क्वेश्चन इज अ सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज इन डैश पार्ट्स. तो जब भी आप सर्कल लेते हो, इट कैन बी, अगर आपका पॉइंट है तो इनसाइड हो सकता है, इट कैन बी आउटसाइड और इट कैन बी ऑन द सर्कल. सो इट इज़ डिवाइडिंग इनटू थ्री पार्ट्स, एक आउटसाइड का, एक इनसाइड का और वो सर्कल के ऊपर वाला एक पॉइंट. सो इट कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड ऑन. सो व्हाट द आंसर्स आर, लेट अस सी वंस अगेन ऑल द सिक्स आंसर्स. फर्स्ट वन है, जो आपका सेंटर होता है वो इंटीरियर में रहता है. अगर रेडियस से बड़ा आपका लाइन है देन इट विल बी आउटसाइड द सर्कल. डायमीटर इज़ द बिगेस्ट कॉर्ड. सेमी सर्कल मतलब डिवाइडिंग इनटू टू इक्वल पार्ट्स. और आपका जो सेगमेंट होता है दैट इज़ द रीजन बिटवीन आर्क एंड कॉर्ड. और अगर आपका एक सर्कल है तो वो डिवाइड करता है प्लेन को थ्री पार्ट्स में, इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड ऑन द सर्कल. होप दिस फिल इन द ब्लैंक्स आर क्लियर फॉर यू. इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू.